हाय, विकिब्रांड में आपका स्वागत है, जहां मैं बिजनेस तथा इससे जुड़े मुद्दों को आपके सामने आसान शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। मेरा नाम है हमराज कुमार। विकिब्रांड के एक नए सीरीज इनक्रेडिबल इंडियन ब्रांड्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं वैसे भारतीय कंपनीज और ब्रांड के बारे में बात करूँगा जिसने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वैसे कंपनी जिसने भारत को बुरे दौर से निकाला तथा आम भारतीय को सपना देखना सीखा। वारिया ग्रुप भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1736 ईस्वी में हुई, आज से लगभग 286 वर्ष पहले, और यह कंपनी आज भी भारतीय बाजार में सक्रिय है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यह कंपनी आज भी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें यह लीडर। यह कंपनी जितनी पुरानी है इसकी कहानी इतनी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाडिया ग्रुप की स्थापना लियोजी नुसरवांजी वाडिया के द्वारा की गई। लियोजी वाडिया उस समय के एक महान जहाज निर्माता थे, इस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जहाज निर्माण के लिए लियोजी वाडिया को चुना और वहीं से वाडिया ग्रुप की शुरुआत की। वाडिया ग्रुप ने 150 सालों तक लगभग 355 जहाजों का निर्माण किया, जिसमें कुछ जहाज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया, जैसे कि मिंडन जहाज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राष्ट्रगान कंपोज किया गया। HMS कॉर्नवालिस वाडिया ग्रुप के द्वारा बनाया गया वह जहाज है जिस पर चाइना और इंग्लैंड के बीच ट्रीटी ऑफ नैनकिंग पर हस्ताक्षर हुआ। HMS ट्रिंको मैली दुनिया का दूसरा सबसे पुराना जहाज है जो आज भी इंग्लैंड के पानी में मौजूद है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक 150 साल पुरानी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1863 ईस्वी में हुई। बॉम्बे बर्मा चाय, कॉफ़ी, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, ऑटो इलेक्ट्रिक और उसके पार्ट्स पुर्जों का निर्माण करती है। यह कंपनी डेंटल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। वाडिया ग्रुप की इस कंपनी में हिस्सेदारी लगभग 66% है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी स्कॉटलैंड के वैलेस ब्रदर्स के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद विसांजी परिवार ने इस कंपनी को वैलेस ब्रदर्स से खरीद लिया, फिर विसांजी परिवार से वाडिया ग्रुप ने इस कंपनी को बनाया। बॉम्बे डाइंग, जिसकी शुरुआत 1879 ईस्वी में हुई थी, आज भी यह कंपनी वाडिया ग्रुप की एक प्रमुख कंपनियों में से एक है। बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। इस कंपनी के द्वारा चादर, तौलिया तथा फर्निशिंग का सामान बनाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने लगातार 125 वर्षों तक अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया। ब्रिटानिया, इस कंपनी को कौन नहीं जानता। ब्रिटानिया लगातार 10 सालों तक भारत का नंबर एक फूड ब्रांड रहा। भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय ब्रांड में से एक ब्रिटानिया है। लगभग हर रोज 20 लाख लोग ब्रिटानिया के फूड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। भारत के बाजार में लगभग 35 लाख रिटेल शॉप पर इसके प्रोडक्ट्स। वाडिया ग्रुप के द्वारा NPL की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी और आज ये देश की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन परोक्साइड निर्माण करने वाली कंपनी है। वाडिया ग्रुप वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की शुरुआत की इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट में डिजाइन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सर्विस। दो हजार पाँच में वाडिया ग्रुप के द्वारा लो कॉस्ट एयर सर्विसेज गो एयर के नाम से शुरू किया गया था। आज गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। अक्टूबर 2017 तक
यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी एयरलाइंस थी। उस वक्त गो फर्स्ट की पैसेंजर मार्केट शेयर लगभग 8.4% थी। मार्च 2020 तक गो फर्स्ट की 330 फ्लाइट डेली उड़ान भरती थी, जिसमें 27 घरेलू और 9 विदेशी डेस्टिनेशन। वाडिया ग्रुप जल्द ही इस कंपनी को भी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करने वाली है। इसके अलावा वाडिया ग्रुप रियल एस्टेट में भी बॉम्बे रियल्टी कंपनी के द्वारा ऊंची ऊंची इमारत बना रही है। आशा करता हूं कि आपको वाडिया ग्रुप की यह इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड पसंद आई होगी। अगला वीडियो आप जिस भी कंपनी के ऊपर देखना पसंद करेंगे, आप नीचे कमेंट लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को